दोस्तों, संतान सुख ईश्वर का वह अनमोल वरदान है जिसकी इच्छा विवाह के पश्चात प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष करता है। संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, तीर्थ यात्रा करता है, दान पुण्य करता है, क्योंकि संतान के बिना मनुष्य का वंश और जीवन दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। परंतु यही संतान यदि नलायक, दुष्ट और कुबुद्धि निकल जाए तो मनुष्य का जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर इस संसार में अनगिनत भाग्यशाली ऐसे भी हैं जिन्हें आज्ञाकारी और संस्कारशील संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे में मनुष्य यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्यों मेरी ही संतान मुझे इतनी पीड़ा दे रही है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे घर ऐसी दुष्ट संतान ने जन्म लिया। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे पाप और पुण्य कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, उसी प्रकार हमें संतान भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्राप्त होती है। संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही हमारे घर में जन्म लेता है, जो हमारे घर हमारे किसी पिछले जन्म का ऋण उतारने या ऋण वसूलने के लिए आता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राजस्थान राज्य में जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक किसान और एक ब्राह्मण रहते थे। किसान और ब्राह्मण दोनों में अच्छी घनिष्ठता थी, परंतु दोनों को एक ही दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी दोनों निसंतान थे। संतान की इच्छा से उस ब्राह्मण और किसान दोनों ने एक साथ तीर्थ यात्रा की, मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, व्रत उपवास किया और तब ईश्वर की कृपा से उन दोनों की पत्नियां गर्भवती हुई। समय आने पर किसान और ब्राह्मण दोनों के घर एक एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों के घर खूब खुशियां मनाई गई, गांव भर में मिठाई बांटी गई। पुत्र के जन्म लेने के पश्चात किसान बहुत प्रसन्न रहता था, परंतु उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। पुत्र के जन्म लेने के कुछ दिन के बाद ही किसान का बैल मर गया। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था और जैसे ही उसका पुत्र एक वर्ष का हुआ तो किसान के हरे भरे खेत भी कुछ जानवर चट कर गए। अब तो किसान बहुत दुखी रहने लगा। आप उस ब्राह्मण देव की कहानी सुनिए। जैसे ही ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ, राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। अक्सर उस ब्राह्मण को अब राज दरबार में पूजा और यज्ञ करवाने का मौका मिलने लगा, जिससे ब्राह्मण की आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगी। और जैसे ही ब्राह्मण का पुत्र एक वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने एक युद्ध में अपने राजा की जीत की भविष्यवाणी की और उसकी वह भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजा सच में उस युद्ध में विजयी हुआ। अब तो प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण का मुख मोतियों से भर दिया और ब्राह्मण को अपना राज पंडित घोषित कर दिया। ब्राह्मण को रहने के लिए एक सुंदर महल और प्रत्येक मास बहुत सघन राजा से मिलने लगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाने के लिए एक विद्वान गुरु के आश्रम में उसे भेजा। वह पुत्र भी बहुत मेधावी निकला, जिससे उसने थोड़े ही समय में सभी प्रकार का ज्ञान और शिक्षाएं हासिल कर ली। वह बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। लोग उसे महापंडित कहकर बुलाने लगे और इस प्रकार अपने पुत्र के कारण उस ब्राह्मण का यश चारों ओर फैलने लगा। दूसरी ओर उस किसान का पुत्र बचपन से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। सभी से झगड़ा करना, बात बात में क्रोध करना उसका स्वभाव बन चुका था। वह बात बात में अपने माता पिता को डांटता था और गाली बकता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता का जमा किया हुआ सारा धन भी जुए में बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर उसने अपने जन्म से लेकर अपने माता पिता को केवल दुख और पीड़ा ही दिए थे। वह किसान अपने पुत्र के कारण शोक में डूब गया और दुखी होकर एक दिन वह अपने मित्र ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से पूछने लगा, अरे भाई, तेरे घर तो एक सत्कर्मी संतान ने जन्म लिया, फिर मेरे ही घर ऐसी दुष्ट संतान ने क्यों जन्म लिया है? मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा था कि जो मुझे घोर दुख और पीड़ा मिल रही है। उस किसान की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुआ
और वह अपने मित्र किसान को एक पहुँचे हुए संत महात्मा के पास लेकर गया, जो इंसान का मस्तक देखकर उसका भूत भविष्य सब कुछ बता देते थे। संत के आश्रम में जाकर किसान ने उस संत के चरण पकड़ लिए और उनसे अपना सारा दुख बताया। वह संत बहुत पहुँचे हुए तपस्वी थे। उन्होंने किसान की बात सुनकर अपने नेत्र बंद कर लिए और लोक निद्रा से उस किसान और ब्राह्मण के पूर्व जन्म का सारा वृतांत जान लिया। कुछ समय के बाद संत ने अपने नेत्र खोले और बहुत ही मधुर वाणी में कहा, हे भद्र पुरुष, तुम्हें इतनी पीड़ा देने वाली ऐसी संतान तुम्हें तुम्हारे अपने ही पाप कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। मैं तुम्हें सारा वृतांत सुनाता हूँ। बात कई वर्ष पुरानी है। किसी गांव में दो कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता काले रंग का था, इसलिए लोग उसे कालू कहकर पुकारते थे। दूसरा कुत्ता भूरे रंग का था, इसलिए लोग उसे भूरा कहते थे। कालू और भूरा दोनों गहरे दोस्त थे। एक बार कुछ दिनों तक जब उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो वे दोनों कुत्ते भोजन की तलाश में घूमते घूमते इसी गाँव में आ पहुंचे। दोनों कुत्ते गाँव के बाहर एक मंदिर में रुके। उन दोनों ने उस मंदिर से अलग अलग दिशा में इस गांव में आने का फैसला किया और कहा कि अगले दिन वे इसी मंदिर पर फिर मिलेंगे। और फिर उन दोनों कुत्तों ने अलग अलग रास्तों से तुम्हारे इस गांव में प्रवेश किया। घूमते घूमते उनमें से एक कुत्ता कालू किसान के घर जा पहुंचा और भोजन की आशा से उसी किसान के घर की दहलीज पर बैठ गया। जब किसान ने उस कुत्ते को अपने घर की दहलीज पर बैठे हुए देखा तो क्रोध में आकर उसने डंडे से उसकी पिटाई कर दी और वह कुत्ता कालू अधमरा हो गया। वहीं दूसरा कुत्ता भूरा ब्राह्मण के घर पहुंचा। उस समय वह ब्राह्मण भोजन कर रहा था। जब उसने उस भूखे कुत्ते को देखा तो दयावश ब्राह्मण ने अपनी भोजन की पूरी थाली उस कुत्ते के सामने रख दी। भूरा ने थाली में रखी हुई पूरी और खीर पेट भरकर खाई और वहां से चला गया। अगले दिन फिर उसी मंदिर में वे दोनों कुत्ते मिले। तब उस कालू ने अपनी सारी पीड़ा अपने दोस्त भूरा को बताई। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था, उसके प्राण निकल रहे थे और प्राण निकलने से पहले उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, उस किसान ने आज मुझे पीट पीट कर बिल्कुल मार दिया। मैं उस किसान से इसका बदला लेने के लिए फिर जन्म लूंगा। और ऐसा कहकर उस कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरे कुत्ते भूरे ने कहा कि आज उस ब्राह्मण ने भर पेट स्वादिष्ट भोजन खिलाकर मेरी आत्मा तृप्त की है। मैं उसका यह कर्ज उतारने के लिए फिर जन्म लूंगा। और कुछ समय के पश्चात उस कुत्ते भूरे ने भी अपने मित्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुछ समय के पश्चात उसी काले कुत्ते ने अपना बदला लेने के लिए किसान के घर जन्म लिया और तुम्हें पीड़ा पहुँचाकर, तुम्हें दुख पहुँचाकर वह अपना हिसाब पूरा कर रहा है। और दूसरे कुत्ते भूरे ने इस ब्राह्मण के घर जन्म दिया और क्योंकि उसे ब्राह्मण का कर्ज उतारना था, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण को हर तरफ से वह सुख पहुंचा रहा है। संत ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम्हारे घर ऐसी संतान का जन्म लेना केवल तुम्हारी और तुम्हारे अपने कर्मों के कारण ही है। इसमें ना तो तुम्हारी संतान का कोई दोष है और ना ही ईश्वर का कोई दोष है। उस संत के ऐसे वचन सुनकर किसान को अपने किए हुए दुष्कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ और उसने संत को यह वचन दिया कि आज से वह किसी का हृदय नहीं दुखाएगा और किसी भूखे को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजेगा। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमें कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह पीड़ित आत्मा ना जाने किस रूप में हमसे अपना बदला लेने के लिए आएगी। इसलिए सदा दूसरों को प्रेम देना चाहिए, उन्हें सुख पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा कर्म वैसा ही हमारा भाग्य और वैसी ही हमारी संतान। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है, अच्छाई चारों ओर फैलती है। धन्यवाद। जय माता दी।